हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमिरेट्स D20 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर दुबई और शारजा के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ से आपको और भी कई सारी टूर्नामेंट्स के वीडियोज मिलने वाले हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर CBFS T20 कवर करेंगे, साथ ही में हम लोग वर्ल्ड कप पूरा कवर करने वाले हैं, तो उसके मैचेस के भी वीडियोज मिल जाएंगे। और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे, जैसे कि आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, सीनियर वुमेंस T20 है, ये सारे ऐसे मैचेस के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच शाम को 7 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट, यहाँ पर बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, हालांकि देखो न्यूट्रल और बैलेंस पिच है और रन्स यहाँ पर ठीक ठाक बन जाते हैं। एवरेज यहाँ पर 140 से 150 के आसपास आराम से स्कोर बनता हुआ नजर आएगा। बाकी चेजिंग में भी यहाँ पर ज़्यादातर चेजिंग करने वाली टीम ने जीती है। इवन पिछली 4 मैच की बात करूँ तो चारों के चारों यहाँ पर चेजिंग करने वाली टीम ने ही जीती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम टॉस जीतकर पहले चेज करना पसंद करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम दुबई की। 5 मैच खेली है, 3 मैच जीती है, 2 मैच हारी है। ओपनिंग में यहाँ पर रौनक पनौली और इनके साथ यहाँ पर शाहरुख अमीन ने ओपनिंग करवाया। रौनक पनौली एज अ प्लेयर के साथ इस मैच के लिए हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगे। लास्ट मैच के अंदर 12 रन के साथ 2 विकेट निकाली, इसके पहले 63 के, इसके पहले 33 के, इसके पहले 39 रन के साथ 3 विकेट निकाली। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे शाहरुख अमीन दिखेंगे, जिन्होंने लास्ट मैच के अंदर 1 रन किया, पहले मैच के अंदर 12 रन किए। देखो इस प्लेयर से ना मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थी और पिछले दोनों मैच के अंदर मैं उसी उम्मीदों के ऊपर इनको लेके भेजा रहा हूँ, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले इनके आखिरी के आंकड़े देखोगे तो 52 रन के साथ 2 विकेट, 115 के साथ 2 विकेट, 51 रन, तो जबरदस्त फॉर्म में था। लेकिन यहाँ पर इनका बल्ला अभी तक गर्जा नहीं है, तो आप लोग चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं शायद एक बार फिर से इनको लेके जाऊँगा। बाकी रईस अहमद अयान सबके कप्तान रहेंगे, तो आप लोग भी इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तैमूर अली भी कंसिस्टेंट नहीं रहे इस टूर्नामेंट के अंदर, बाकी ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, 39 रन किए थे उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर एक बार, बाकी इतने अच्छे फॉर्म में है नहीं, अगर एक मैच को अगर छोड़ दे तो रिस्की रहेंगे लेके जाना, तो अगर आप लोग रिस्क ले सकते तो ले लीजिएगा, बाकी यहाँ पर मैं अभी के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। सेम चीज़ यहाँ पर पुन्या मेहरा का भी है, पुन्या मेहरा का भी कंसिस्टेंट नहीं, लेकिन ये इस लेवल के परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ध्यान में रखिएगा इस प्लेयर को, खास ध्यान में रखिएगा और ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करिएगा, हो सके तो स्मॉल लीग में भी आप लोग लेके जा सकते हो। सैयद मुशेब की बात करते हैं, मुशेब यहाँ पर ठीक ठाक रहेंगे, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेते हैं, और बाकी तो अभी तक दोनों मैच के अंदर कुछ खास किया नहीं, पहली मैच के अंदर 9 रन किए, दूसरी मैच के अंदर 1 रन किए, और ओवरऑल आंकड़े तो मिले नहीं इनके, तो अभी के लिए हम लोग इनको थोड़ा सा यहाँ पर साइड में रखेंगे, मतलब ये ऑप्शनल प्लेयर है। इसके अलावा ऐसे शफीर तरीक जबरदस्त फॉर्म में, विकेट कीपर बल्लेबाज, ट्राई कर सकते हैं इनको लेके जा सकते हो। उसके अलावा ऐसे केशव शर्मा लास्ट मैच के अंदर विकेट ले सके, बाकी इनके पास भी पोटेंशियल है, बड़े परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, हो सके तो स्मॉल लीग में आप लोग यहाँ पर केशव शर्मा को लेके जा सकते हैं। बाकी राहुल भाटिया इंपॉर्टेंस रहेंगे, वो भी लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, बाकी इससे पहले यहाँ पर 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट जैसे परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, तो इनको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे अयमान अहमद कंसिस्टेंट प्लेयर, यहाँ पर 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। इसके अलावा ऐसे युग शर्मा कंसिस्टेंट प्लेयर, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट। तो यहाँ से देखो गेंदबाजी सेक्शन में यहाँ पर राहुल भाटिया, अयमान अहमद और युग शर्मा, तीनों के तीनों कंसिस्टेंट है, तो आप लोग तीनों को ही लेके जाइएगा। स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पर युग शर्मा के साथ केशव शर्मा, डेथ हो इसमें यहाँ पर अयमान अहमद के साथ केशव शर्मा डेथ में डालेंगे। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ, तो जल्दी से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। और अभी के लिए हम लोग बात करते हैं शारजा की। तो शारजा ने 5 मैच खेली, जहाँ से 4 मैच वो जीत के आ रही है, 1 मैच हार के रही, टेबल टॉपर है यहाँ पर और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा इनका अभी तक का। ओपनिंग की बात करें तो यहाँ पर जोहेब खान और उनके साथ सोहेल शाह ने
ओपनिंग करवाया। देखो सोहेल शाह दोनों ही मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया, इनका क्या है ना ये 5-6 मैच के अंदर एक मैच के अंदर चलने वाले प्लेयर हैं, यहाँ पर 76 इन्होंने एक बार किए, बाकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा, तो रिस्की रहेगा। बाकी जोहेब खान को मैं एज ए प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट करता हूँ, आप लोग इनको एज ए प्लेयर भी ट्राई कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा से दाऊद एजाज़ जिनको हमने लास्ट मैच के हमारी टीम के अंदर रहे थे, तो मतलब दोनों ही जो भरोसे लायक प्लेयर है इन दोनों ने हमने लास्ट मैच के अंदर हमको धोखा दिया, यहाँ से दाऊद एजाज ने दिया और सामने वाली टीम से शाहरुख अमीन दो टीम से दो मैच से धोखा दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों प्लेयर को लेके जाएगा, क्योंकि दोनों ही उस लेवल के प्लेयर है, कभी भी आप सेंचुरी तक जड़ सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। फैयाज अहमद ओके यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस इनका भी अभी तक नहीं रहा। बाकी सहान अकरम की बात करो तो 34 रन, 21 रन और 33 रन। अभी देखो CBFS T20 की बात करूँ ना तो सहान अकरम ने वहाँ पर भी झंडे गाड़े हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने 2 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट भी निकाले, एक ही मैच खेले वहाँ पर भी, जहाँ पर इन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा ऐसे हर्ष देसाई देखेंगे ठीक ठाक यहाँ पर, GL में ट्राई करोगे। बाकी यहाँ पर अब्दुल गफ्फार एज अ प्लेयर वेरी इंपॉर्टेंट पिक, कैप्टन वाइस कैप्टन सजेसेबल है, रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे बात करते हैं मोहम्मद उजेर खान, जो कि लगभग सबके कप्तान या वाइस कैप्टन जरूर रहेंगे और करना भी चाहिए। देखो लास्ट मैच के अंदर इन्होंने 2 विकेट निकाली, इसके पहले यहाँ पर 4 विकेट और इसके पहले यहाँ पर इन्होंने 4 विकेट निकाली, इसके पहले पहली मैच की बात करूँ तो 15 रन किए, साथ में 1 विकेट निकाले, तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट पिक है, एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की सेफ चॉइस है। फारूक मोहम्मद को जरूर लेकर डाल सकते हो आप लोग, लास्ट मैच के अंदर कुछ खास नहीं किया, लेकिन आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही से, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर ऊपर से कुछ परफॉर्मेंस के ऊपर मैंने स्पेशली मार्क किया, ये उस लेवल का प्लेयर है, तो ध्यान में रखिएगा, हो सके तो रिस्क ले सकते हैं। बाकी हैदर अली और मतीउल्लाह खान दोनों इंपॉर्टेंस रहेंगे, और खासतौर पर यहाँ पर हैदर अली की बात करूँ तो इनको एज अ प्लेयर के साथ आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। इनके अलावा ऐसे मतीउल्लाह खान जो कि लास्ट मैच के अंदर 4 ओवर्स की गेंदबाजी करवाए थे, विकेटलेस रहे थे, तो भरोसा करना चाहो तो आप लोग इनके ऊपर भी कर सकते हो। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर मतीउल्लाह खान और मोहम्मद उजेर खान, डेथ ओवर्स में यहाँ पर अब्दुल गफ्फार और यहाँ से मोहम्मद उजेर खान डेथ में डाले थे, और इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिए जाएंगे आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूँ तो यहाँ पर रंजीत मणि अगर खेलते हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, इसके साथ यहाँ पर मोहम्मद रोहित खान अगर खेलते तो इनको हम लोग एज अ प्लेयर डेफिनेटली लेके जाएंगे, हजरत लुकमान अगर खेलेंगे तो इनको आप लोग डिफरेंशियल में लेके जाएंगे, और बाकी तो अदर ऑप्शन ठीक ठाक। हालांकि फुलकान खलील अगर खेलते तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे लिए परफेक्ट पिक बनेगी, क्योंकि अभी के लिए इस मैच के लिए विकेट कीपिंग सेक्शन में हम थोड़ा सा कंफ्यूज है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हम लोग यहाँ पर सफीद तरीक के साथ जा रहे हैं, और बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो बैटिंग सेक्शन से मैंने यहाँ पर रौनक पनौली, इनके साथ हमने लिया यहाँ पर सहान अकरम और मोहम्मद जोहेब खान हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ से देखो मेरा पूरा मन है कि यहाँ पर दाऊद एजाज को मुझे लेना है, लेकिन रिस्क बहुत है इनको लेके जाने में, जैसे कि लास्ट मैच के अंदर हमने रिस्क लिया था और ये 4 रन बना के आउट हो गए और हमको एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन याद रखिएगा ये बंदा जब मूड में होगा तब यहाँ पर सेंचुरी तक ठोक सकता है। इसके अलावा से ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर रईस अहमद अयान, इनके साथ यहाँ पर अब्दुल गफ्फार, इनके साथ यहाँ पर राहुल भाटिया और यहाँ पर ऐमान अहमद को मैंने लिया है। यहाँ पर मेरा पूरा मन है यहाँ पर शाहरुख अमीन को लेने का, तो शाहरुख अमीन और दाऊद एजाज दो प्लेयर ऐसे जिनको मैं मन मार के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही ने अभी तक दो मैच के अंदर हमको बड़ा लॉस करवाया हुआ है। इसके लिए आप लोग चाहो तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक के ऊपर रिस्क लीजिएगा, और इसमें खास तौर पर सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा शाहरुख अमीन को, इसके बाद सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर मैं दाऊद एजाज को सजेस्ट करूँगा, और इसके साथ यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर तैमूर अली, तो इन तीनों में से किसी एक को जरूर ट्राई करना है, और जो भी रिस्क लेना चाहते हैं मैंने यहाँ पर क्रम वाइज दे दिया कि पहला रिस्क आपको किसके ऊपर लेना है, सेकंड रिस्क आपको किसके ऊपर लेना है और थर्ड रिस्क आपको किसके ऊपर लेना है। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर मोहम्मद उजेर खान, इनके साथ यहाँ पर हैदर अली और यहाँ पर केशव शर्मा हमारी टीम, सॉरी यहाँ पर केशव शर्मा ने हमें युग शर्मा को लिया है। बाकी रोहित खान खेलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट लेके जाना है। वसीम अकरम खेलेंगे एज अ प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट पिक। यहाँ से आप लोग मतीउल्लाह खान को भी ले सकते हैं, ये भी एक तगड़ा प्लेयर है, कभी भी 2-3 विकेट भी निकाल सकता है, ध्यान में रखिएगा। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान है हमारे यहाँ से रईस अहमद अयान, और वाइस कैप्टन यहाँ पर रौनक पनौली है। इसके साथ यहाँ पर चॉइस की बात करते हैं तो सबसे पहली चॉइस है यहाँ पर अब्दुल गफ्फार को कर दीजिएगा आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन। इसके अलावा चॉइस है यहाँ पर हैदर अली और मोहम्मद उजेर खान, तो ये कुछ प्लेयर है जिनको आप लोग वाइस कैप्टन कैप्टन करना चाहो तो कर सकते हैं। बाकी मेरी टीम कुछ इस तरह से ही रहेगी, इसमें कुछ बदलाव वगैरह हो सकते हैं, तो फाइनल टीम जो भी रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा,
शेयर कर दीजिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग क्या करोगे, पूरा वीडियो देखते रहो। देखो वीडियो अगर देख ले तो आप लोग पूरा देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छे से अपनी खुद की टीम बनाओ, अच्छी खासी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।